तो कैसे हैं आप लोग। कल मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा 12 से 13 साल का मोटिवेशन लाइन बोल रहा था। उसे देखकर मेरी आंखें भर गई कि इस उम्र में जब मैं ये कन्फ्यूजन में रहता कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उस उम्र में ये बच्चा इतना ज़्यादा नॉलेज लिया हुआ है। तो मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, उस बच्चे को उठाकर 10th क्लास में करवाओ, क्योंकि जब भी वो साइन थीटा कोस थीटा पढ़ेगा तो उसका सारा संदीप महेश्वरी निकल जाएगा। कितनी बकैती काटता यार वो लोंडा, क्या गजब दुनिया है। चलते हैं कंटेंट की तरफ। आइला जंप मैन में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगी मैंने किस तरह से हल्क को और आयरन मैन को पीटा। उसी के साथ ही मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर बिल्डिंग से छलांग लगा रहा हूँ। मुझे देखना ये है कि यहाँ पर है कौन जो क्रिस को रोक सके। तो यहाँ पर देखो ऐसे डर कर भाग रहे, किससे डर रहे ये लोग, मुझसे या किसी और से? तो यहाँ पर देखता हूँ कोई और क्या। मुझे यहाँ पर हलचल तो लग रही है लेकिन मुझे दिखाई कोई नहीं दे रहा। ओके वहाँ से कोई आ रहा है। मैं हूँ कैप्टन अमेरिका। आइला कैप्टन अमेरिका ये क्या चीज़ है? कैप्टन अमेरिका काफी खतरनाक चीज है, तुझे पता चलेगा कि मैं हूँ क्या। आइला तुझे अभी बताता हूँ, तू जानता नहीं मेरे को, मैंने किस किस को हराया है। तूने अभी सिर्फ बच्चों को हराया होगा, तेरा मेरे से पाला नहीं पड़ा। आइला ऐसे कैसे पाला नहीं पड़ा, अभी देख लेता हूँ तुझे में कितना ज्यादा दम है। तो ठीक है बच्चू, थोड़ा सा संभल के तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। तुझे खुद ही नहीं पता तू क्या चीज है, रुक जा अभी तुझे भिड़ने का अल्जाम बताता हूँ। ये ले फेंक दूंगा तुझे। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ, रुक जा एक मिनट, मैं तुझे तेरे पास ही आ रहा हूँ। आइला ये क्या फेंक रहा तू? ये मेरी शील्ड है और तुझसे सबक सिखाना काफी जरूरी है। तुझे पता है मैंने यहाँ के आयरन मैन और हल्क को पेल दिया। ओ वो तू है जिसने उन्हें पेला है? हाँ मैं ही हूँ, तू क्या कर लेगा मेरा? अभी बताता हूँ कि मैं तेरा क्या कर लूंगा। और तू ऐसे क्यों भाग रहा, शाहरुख खान है क्या? मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मैं हूँ कैप्टन अमेरिका। नहीं शाहरुख खान का भी टेढ़ा हाथ है ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ। लड़ाई पर ध्यान दो बच्चे। अरे बच्चा किसको कह रहा है? तुझे कह रहा हूँ। तुझे अभी बताता हूँ कि क्रिश है क्या चीज। तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा इतना ज्यादा घमंड है, रुक जा अभी बताता हूँ कहाँ गया। एक मिनट रुक जा भाई, क्या कर रहा है यार तू? मैं क्या करूँ, मैं तो बचाव कर रहा हूँ। तो तू अब बचाव करना, कहाँ गया? ओके भागता है तो भाग। ओ भाई क्या मारा है, कैसा लगा? अब तू बता कैसा लगा। तू तो बड़ा बेकार है। मुझे पता है मैं बेकार हूँ, तू उससे भी ज्यादा बेकार है। हाँ ये ले कहाँ का कैप्टन अमेरिका है, तू खुद की रखवाली नहीं कर सकता, तो यहाँ की क्या खाक बचाएगा? रुक जा तुझे अभी बता देता हूँ। अभी तो तू कुछ उखाड़ नहीं पाया, अब क्या बताएगा? देखा कैसा लगा झटका? ये झटका था, ये तो कुछ भी नहीं था, तुझे अभी झटका देता हूँ, रुक जा एक मिनट। तो एक मिनट रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि क्या चीज़ हूँ मैं। देखा तो बिना मारे ही गिर गया। अरे रुक तो जा अभी बताता हूँ, एक मिनट। ये ले आप बता कौन ज्यादा ताकतवर है? ताकतवर तो मैं ही हूँ, तुझे अभी पेल दूंगा। तुझसे ना होगा कुछ भी, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो आ जा। और अभी तो हम डांडिया खेल रहे थे, अभी तो आ ही रहे हैं ना, तो देखता हूँ कितना दम है। ये ले। अच्छा तू मुझे मारेगा? और किसको मारूंगा? ये ले झटका। आइला इतनी ज्यादा दूर फेंक दिया, अब वो भागेगा या फिर वापस आएगा? मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे लगता है तू लड़ने वालों से भी नहीं है, तू सिर्फ पिटने वालों में से है। रुक जा बेटा, वो तो वक्त बताएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। वक्त क्या बताएगा, वो तो मैं ही बता दूंगा, कृष्णा है मेरा और मैं तुझे पूरी तरह कूटूंगा। ये देख मैंने तुझे उछाल दिया। फिर मैं कौन सा गिर गया, मैं तो और भाई गिर गया अब तो मैं। आप बता कितनी बार गिरूं तुझे? तो मुझे डर लगेगा, तो मुझे नीचे गिरेगा। ये ले हल्क और आयरन मैन से बदतर हालत कर दूं मैं तेरी। तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरी स्ट्रेंथ को जानता नहीं है। आइला ये स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, ये हमारे पास क्यों नहीं है, बॉलीवुड वाले के पास क्यों नहीं है? स्ट्रेंथ कोई खाने की चीज नहीं है। और क्या पीने की चीज है? कोई दिक्कत नहीं है, पी भी लेंगे, दो मुझे। स्ट्रेंथ पीने की चीज भी नहीं होती। और उसको क्या पहनना होता है? स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है। आइला ये तो मुझे पता था, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा मजाक करते हो, मैं मारता भी बहुत अच्छा हूँ। ये भाई मैं जो उल्टा मार दिया तो बाहर निकल गया, तुझे मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। एक मिनट रुक जा अभी निकल के आता हूँ, एक मिनट रुक जा। ये ले आ गया मैं बाहर। रुक मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ, देखना ये है कि कितना ज्यादा ताकतवर है तू। आइला अभी तक तुझे पता ही नहीं चला, ये देख मेरी ताकत देख, मैंने गाड़ी फोड़ दी तुम्हारी। तूने देखा नहीं मैं भागता हुआ आया था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मुझे तो शक्ल से भिखारी लगता है, मुझे पता तेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। एक मिनट भाई साहब तू चीजों कैसे उछाल रहा भाई, क्या ही गजब है। एक ओ भाई यही तो आयरन मैन है और मैं क्रिश हूँ। ये ले और तो क्या
कृष, तू कुछ भी नहीं कर सकता, देख मैं कितनी ज्यादा दूर फेंक देता हूँ तुझे। अयला, अभी तक तो इतना पिट रहा था, अब तू बकवास भी करता है। रुक जा, ये ले ये ले, यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ उनको तोड़ कर जाएंगे क्या? मैं तुझे गाड़ियों में भिड़ा भिड़ा के मारूंगा। तू क्या मुझे गाड़ियों भिड़ा के मारेगा, मैं गाड़ियों को ही मारूंगा। ये ले, देख मैंने गाड़ी पटक दी, ये ले तुझे पटकता हूँ। ये देख कितनी गाड़ियाँ मैंने फेंक दी है, और फेंकू क्या? एक मिनट भाई, ये क्या ही चीज है तेरे पास? रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। रुक एक मिनट। ओ भाई, क्या ही चमकदार चीज है तू। तो थोड़ा बहुत मैं मानना पड़ेगा कि तू ताकतवर है। थोड़ा बहुत क्या मानना पड़ेगा, इंडिया में जाके पूछ कि क्रिश क्या चीज है, क्या फैन फलंग है क्रिश की। और तू इंडिया में जाकर पूछ आयरन मैन कौन है। अयला, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। एक मिनट, तू कहाँ गया? एक मिनट, आ जा इधर, इधर यही बताता हूँ तुझे क्या चीज़ है तू। इतना ज़्यादा बकवास, एक ये ले। एक मिनट, मैं तो पानी के अंदर चला गया, मैं वापस बाहर आता हूँ, तू मेरे पास आएगा, मैं तेरे पास आऊँ। डरो मत, मैं तेरे पास ही हूँ। अयला, क्या जोर की पटकी दी है। हार मान लो बच्चे, जिंदा छोड़ दूंगा। मैं क्रिश हूँ, बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। तो कंगना रनौत को बुला ले तुझे हराने के लिए। अयला, वो क्या कर लेगी मेरा? नहीं, मैंने सुना है कॉन्ट्रोवर्सी थी कुछ। अयला, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, और कुछ भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ये ले, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। रुक, अभी तुझे बताता हूँ, तू मेरे पुराने बातों को छेड़ रहा ना, तू रुक एक मिनट। ये ले, ये एक मिनट, रुक जा भाई, कहाँ गया? ये ले, और तू क्या, और तू, ये ले, ये ले, एक और ले, एक और ले, और पुरानी बात लेके आ मेरे पास। ये ले, पता चला क्रिश क्या चीज़ है, और आगे से बिल्कुल भी मत भिड़ना मेरे से। जार्विस, क्या खबर है? वो क्रिश ने कैप्टन अमेरिका को धूल चटा दी। ऑलराइट, तो ठीक है जार्विस, अभी के अभी थोर को मैसेज भेजो। ऑलराइट बॉस। तो जैसे मेरे पास आयरन मैन का मैसेज आया, वैसे ही मैं आ चुका हूँ लॉस सैंटोस को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता यहाँ पर किसका अटैक हुआ है और क्यों हुआ है। उसने मतलब सुनने में आया कि आयरन मैन और हल्क को उसने तोड़ दिया है, तो भाई काफ़ी ताकतवर हो सकता वो बंदा। तो ठीक है, देखना यह है कि वो बंदा अभी कहाँ पर है और उससे मैं भिड़ पाऊँगा या फिर नहीं। मतलब मैं उसे जान से ही मार दूँगा, मैं छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे काफ़ी गुस्सा दिला दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, जितना मेरे अंदर करंट दौड़ेगा उतना ही ज़्यादा मैं गुस्सा आऊँगा। तो आज बारिश रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब जब मुझे गुस्सा आता है तब तक यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तो आयरन मैन ने मुझे यहीं की लोकेशन भेजी थी, तो मुझे यहाँ पर उतर जाना चाहिए जहाँ तक है, या फिर थोड़ा सा और आगे चलकर। यहाँ पर कुछ एक लोग भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जो भी कोई है यहीं पर होगा। तो ठीक है, यहाँ पर चलकर देखते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, उसी के साथ यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, तो इसे थोड़ा सा दूर करें ताकि इसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ठीक है, यहाँ पर ये ले, थोड़ा सा पीछे चला जा। तो यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है वो बंदा थोड़ से डर कर भाग गया है, उससे मुझसे भिड़ने की ताकत हुई नहीं। तो ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। अगर वो बंदा चला गया है और आयरन मैन से और हल्क से माफ़ी मांग लेगा तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, वो बंदा भी यही है, तो यही पर ये ले। तो मैंने कहा था इस हेलीकॉप्टर को दूर ले जा। अयला, एक और करेक्टर, ये कौन है? मैं थोर हूँ, मेरा नाम क्रिश है। अच्छा, तो वो तू ही है जिसने आयरन मैन और हल्क को मारा? उनको ही नहीं, मैंने एक और बंदे को पेल दिया। तो तुम ही हो जो इतने ज़्यादा तबाही मचा रहे हो, तो अब मैं आ चुका हूँ, तबाही मचाने की बारी तुम्हारी गई। अयला, ऐसे कैसे गई, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तूफान का देवता हूँ और मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और मेरा नाम क्रिश है, मैं भी तुझसे नहीं डरता, कितना भी ज़्यादा बड़ा हो तू। तुझे डर नहीं लगता, लेकिन आज के बाद तुझसे थोर से डरेगा, तुझे पता चल जाएगा कि थोर है तो है क्या चीज़। ये ले बेटा, एक मिनट रुक जा, तो अब आ मेरे सामने। अयला, मैं तुझे पीट रहा हूँ और तू कह रहा सामने आ, जल्दी जल्दी उठ खड़ा और तू देख मैं क्या चीज़ हूँ। अरे, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और तू मेरे सामने अब आया, तो ये मान तो एकदम राख हो जाएगा। तू रुक एक मिनट, कहाँ गया तू, भाग तो नहीं गया? तो मुझे लगता है वो भाग ही गया है। तो आ मेरे सामने, अब तुम अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या चीज़ है तू। अयला, मैं आ गया, उसी के साथ मैं तुझे पीटूंगा, मैं देख रहा तू कितना ज़्यादा ताकतवर, तू एकदम घटिया यार। अरे थोर, एस्गार्ड का राजा, अब तुझे घटिया बोल रहा है, अब तुझे पता चलेगा थोर है क्या चीज़। अब मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, पहले मैं सोच रहा था तुझे मैं नॉर्मली छोड़ दूंगा, लेकिन तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अयला, ये क्या था? ये था थोर का कहर जो तुझ पर टूटा था, और अभी तो तू देखता जा बच्चू, मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ, अब तेरी जुबान नहीं निकल रही क्या?
मैंने तुझे पहले ही वॉर्न किया था कि थोर क्या चीज़ है और थोर क्या कर सकता है, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं माना। तो अब मैं तुझे बताऊंगा कि यहाँ पर अटैक करने का अंजाम क्या होता है। इसे एक मैं ऐसा जोरदार झटका दूंगा जिससे इसकी रूह कांप जाएगी और थोर के नाम से ये कांपेगा। ये मरेगा नहीं, लेकिन इसको दर्द काफ़ी होगा काफ़ी दिनों तक। ये ले। ऑलराइट गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। उसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन अंदर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है यार, ज्वाइन कर लो। क्या कर रहे हो यार, एक फॉलो नहीं कर सकते तुम? अगर कुछ भी पूछना वहां पर आकर पूछ सकते हो। और किसके वर्सेस में कौन चाहिए ये तो कमेंट कर सकते हो ना, तो कर दो, आप ही के लिए है। तो बाय।